नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग लैग्रांजियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको हम उसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम इसके पहले भी लैग्रांजियस इक्वेशन का दो लेक्चर दिए हैं। आज का भी लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए, लैग्रांज आंशिक अवकल समीकरण किस प्रकार हल किया जाता है। ऐसे तो आप जानते हो लैग्रांज इक्वेशन के बारे में, पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल आर के रूप के समीकरण को ही हम लैग्रांज इक्वेशन यानी लैग्रांज समीकरण के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसका सहायक समीकरण लेते हैं, ये जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर सीन हो रहा है प्यारे बच्चों। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर प्रैक्टिस करना है। कौन सा क्वेश्चन कहां पूछ दिया जाए, है ना, ये तो हमको पता ही नहीं है, आपको भी पता ही नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों। और एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% आना है, याद रखिएगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। और इस समीकरण एक का क्या कीजिएगा, सहायक समीकरण लीजिए। समीकरण एक से लैग्रांज का सहायक समीकरण, समीकरण एक से लैग्रांज का सहायक समीकरण क्या आएगा प्यारे बच्चों, लैग्रांज का सहायक समीकरण देखिएगा, आपको मिलने वाला है dx अपान y स्क्वायर प्लस कितना z स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर dy अपान माइनस कितना 2xy, ये देखिए माइनस कितना 2xy इज इक्वल, है ना, इज इक्वल r। तो r का रूप यदि हम करें तो ये माइनस 2zx होगा, यानी आप इसको कैसे राइट कर सकते हो, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर, यानी pp और माइनस ये हो जाएगा क्यू क्यू इज इक्वल ये हो जाएगा आर। तो आर के जगह में क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन माइनस टू जेड एक्स, ये आ गया बच्चों। ये लैग्रांज का सहायक समीकरण हुआ प्यारे बच्चों। अब हम इनमें से देखते हैं इन दोनों को ले क्या, है ना, कुछ कैंसिल नहीं होना, इन दोनों को ले क्या, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि यदि 2x को कैंसिल करूंगा तो सेपरेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण दो के अंतिम दो भिन्नों को लेंगे, समीकरण दो के अंतिम दो भिन्नों को लेने पर, चलो ले लो भिन्नों को लेने पर, चलो लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या मिलेगा आपको, डीवाई अपान कितना माइनस टू एक्स वाई और डी जेड अपान कितना माइनस टू जेड एक्स। ये देखो, अब इनमें से टू एक्स को हटाइएगा, माइनस को हटाइएगा तो क्या पाइएगा, डीवाई अपान वाई और डी जेड अपान जेड। ये क्या हो गया, सेपरेशन तो हो गया, सेपरेट हो गया, डीवाई की ओर वाई है, डीजेड की ओर जेड है। अब इसका आप क्या कीजिए, समाकलन कीजिए। समाकलन करने पर क्या पाएंगे आप, ये देखिएगा, डीजेड डीवाई अपॉन वाई इज इक्वल डीजेड अपॉन कितना हो गया जेड प्लस कितना सी वन। तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, लाग वाई पाएंगे, इसका समाकलन कीजिएगा, लाग जेड मिलेगा। और सभी लाग में होता है तो हम इसको भी कांस्टेंट को भी लाग में ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको मिला वाई इज इक्वल कितना, लाग जेड सी वन। तो एक सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, यानी वाई अपॉन जेड इज इक्वल कितना हो गया सी वन। ये समीकरण नंबर कितना तीन। अब वापस चलते हैं समीकरण इसमें। अब बच्चों दूसरा चीज, यदि मैं यहां पर ये देखो, यहां पर x का गुना करूं तो क्या होगा, x y स्क्वायर x z स्क्वायर और ये हो गया x क्यूब। यहां पर मैं y का गुना करूं तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर y, और यहां पर z का गुना करूं तो 2z स्क्वायर x। इनमें से माइनस होकर के, यानी हम लोग यदि यहां से देखो, एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू नहीं नहीं टू एक्स वाई स्क्वायर सॉरी टू एक्स वाई स्क्वायर वाई का गुना किया ना, और टू है ना जेड स्क्वायर एक्स। तो यहां पर देखो एक्स वाई स्क्वायर में एक्स वाई स्क्वायर गया, और यहां से देखो एक्स जेड स्क्वायर, यानी माइनस आपको मिला एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। इनमें से माइनस एक्स को कॉमन निकालिएगा तो क्या पाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। यानी ये समझिए कि ये क्या रहा है,
कंप्लीट इंटीग्रेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए हम लेकर चलेंगे, देखिएगा। चलो देखो बच्चों, इसको क्या करना है, समीकरण दो में मल्टीप्लायर यूज करेंगे। चलो करें, समीकरण दो में गुणक एक्स वाई व जेड लेने पर, चलो ले लो। तो देखिए प्रत्येक भिन्न क्या मिलेगा आपको, पहले आपने एक्स का गुणा किया तो एक्स डी एक्स, वाई डी वाई और प्लस जेड डी जेड। पहले में एक्स का गुणा किया, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। फिर दूसरा में वाई का मल्टीप्लाई किया, टू एक्स वाई स्क्वायर हुआ। तीसरे में जेड का मल्टीप्लाई किया, टू एक्स जेड स्क्वायर हुआ। तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो एक्स डी एक्स ये हमारा पांचवा भिन्न बना, सॉरी चौथा भिन्न बना, ये देखिएगा। अब ऐसा कीजिए, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स, एक्स को कॉमन निकालिएगा तो आप पाइएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर और माइनस टू जेड स्क्वायर। जो घट रहा है उसको घटाइएगा तो एक्स डी एक्स प्लस कितना वाई डी वाई प्लस कितना जेड डी जेड अपॉन एक्स, यहां पर कितना आ जाएगा देखो, माइनस आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फाइनली हमने पाया, माइनस को कॉमन निकालेंगे तो हम इस पूरे को क्या राइट कर सकते हैं, एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये देखिएगा अपान ये हो जाएगा एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर। चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा भिन्न और इसको चौथा भिन्न माने, तो तृतीय और चतुर्थ भिन्न को लेने पर ऐसा कह सकते हैं, तृतीय एवं चतुर्थ भिन्न को लेने पर क्या मिलने वाला है। तो तृतीय भिन्न क्या है अपने पास, डीजेड अपान माइनस टू जेड एक्स, डीजेड अपान माइनस टू जेड एक्स, और यहां पर आपने पाया है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड डिवाइडेड बाई माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस पूरे को देखो, एक्स को यहां से कैंसिल कीजिएगा, माइनस हटाइएगा, टू को इधर ले आइएगा, तो जेड अपान डी जेड अपान जेड यहां क्या हो गया, टू एक्स डी एक्स टू वाई डी वाई और टू जेड डी जेड। क्या हम इस पूरे को डी करके राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, ये देखिएगा, आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का टू एक्स डी एक्स मिलेगा, वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई मिलेगा, जेड स्क्वायर का टू जेड जी मिलेगा, अपान कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसका क्या कीजिए, समाकलन कीजिएगा, तो समाकलन करने पर आप पाइएगा डी एक्स अपान एक्स, समझो इसको, तो डी एक्स अपान एक्स लाग एक्स होता है, तो हमको मिलने वाला है डी जेड अपान जेड, और यह आएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर अपान कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, यानी आपको मिलने वाला है ये हो गया सी टू। तो आप पाइएगा लाग जेड इज इक्वल लाग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हम यानी इसको टी समझो, डी टी अपान टी समझो, ठीक है ना, प्लस कितना सभी लाग में है तो लाग सी टू। और इस तरीके से हम फाइनली यहाँ पर हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कितना सी टू। लाग हटाइएगा और क्या पाइएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा सी टू, ठीक है ना, ये मिल गया। यानी जेड अपान कितना पाया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर इज इक्वल कितना सी टू। अब देखो पहला हमको मिला था कितना वाई अपान जेड, तो समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण का हल यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग,
देखिए समीकरण का पूर्ण हल फाई पहला आया है वाई अपॉन जेड और दूसरा आपको मिला है ये वाई अपॉन जेड दूसरा आपको मिला है जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल कितना जीरो। तो ये आपका आंसर आया प्यारे बच्चों। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। आपको दूसरा क्वेश्चन क्या मिलता है देखिएगा, ठीक है। ये देखो आपको क्या दिया है भाई, आपको दिया है हल कीजिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड पी वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यू जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर एक। अब समीकरण एक लांगराज है ना, आंशिक अवकल समीकरण के रूप का है। तो समीकरण एक से लांगराज का सहायक समीकरण क्या मिलने वाला है, देखो आपको मिलने वाला है dx अपान एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड dz अपान वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स और dy है बच्चों dy और dz अपान जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। बच्चों देखो यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें या इसको हटाओ, यहां से हटाओगे एक्स स्क्वायर का हटाओ वाई स्क्वायर का हटाओ जेड स्क्वायर का हटाओ तो वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई यानी कैंसिल हो रहा है, जीरो आ रहा है। अच्छा दूसरा हम यहां से मान लो ओनली एक्स को हटाते हैं ओनली वाई को हटाते हैं ओनली जेड को हटाते हैं तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड वाई जेड माइनस एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, जेड एक्स माइनस जेड वाई बिल्कुल कैंसिल हो रहा है तो दोनों निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण पहले दो में गुणक मल्टीप्लायर क्या लेंगे वन अपान एक्स स्क्वायर या वन अपान एक्स भी ले सकते हो पहले जैसा लेना चाहें वन अपान एक्स स्क्वायर वन अपान वाई स्क्वायर वन अपान जेड स्क्वायर जिसको भी पहले निकालना चाहते हो लेंगे। तो क्या मिलने वाला है हमको, ये हमको मिलने वाला है प्यारे बच्चों प्रत्येक भिन्न इधर रहेगा, इधर हम लोग पाएंगे वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स वन अपान वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वन अपान जेड स्क्वायर डी जेड ये हमको मिलेगा। यहां से हम एक एक हटाएंगे तो वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, देखो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो आपने पाया कितना वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स वन अपान वाई स्क्वायर डी वाई वन अपान जेड स्क्वायर डी जेड अपान कितना हो गया जीरो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या मिलने वाला है वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन अपान वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वन अपान जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल कितना जीरो। अब इसका क्या कीजिएगा समाकलन कीजिएगा तो समाकलन करने पर क्या मिलेगा आपको मिलने वाला है वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स वन अपान वाई स्क्वायर डी वाई और यहां पर वन अपान जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल कितना सी वन। तो ये पाइएगा माइनस वन अपान एक्स माइनस वन अपान वाई माइनस वन अपान जेड इज इक्वल सी वन। तो यदि हम इसको लेते हैं तो वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई प्लस वन अपान जेड इज इक्वल माइनस सी वन को सी वन भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, एक हल निकाल लिया। अब इसी समीकरण दो में सॉरी समीकरण एक में गुणक मैंने हटाया था एक वन बाई एक्स वन बाई वाई वन बाई जेड लेने पर, चलो ले लो जल्दी। तो प्रत्येक भिन्न लेंगे फिर से वही और प्रत्येक भिन्न लेने पर यहां पर मिलेगा वन अपान एक्स डी एक्स वन अपान वाई डी वाई और वन अपान जेड डी जेड। तो ऊपर किए हो तो नीचे को भी करना पड़ेगा, यदि मैं वन अपान एक्स करूं तो एक्स कटेगा तो एक्स आएगा एक्स वाई माइनस जेड आएगा एक्स वाई माइनस जेड आएगा और सेकेंड में कितना आएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स और जेड यह आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब देखो ऐसा देखा जाए साइक्लिक प्रोसेस में है, जीरो तो होना ही है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो पाइएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बिल्कुल मिलना है वन अपान एक्स वन अपान वाई ये डी जेड है प्यारे बच्चों ये डी जेड है अपान कितना है जीरो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो वन अपान एक्स डी एक्स वन अपान वाई डी वाई वन अपान जेड डी जेड इज इक्वल कितना हो गया जीरो। अब इसका समाकलन कीजिएगा तो समाकलन करने पर क्या मिलने वाला है ये देखिएगा समाकलन कीजिए तो
तो आपने समाकलन किया, आपको मिला वन अपान एक्स डी एक्स, वन अपान वाई डी वाई, वन अपान जेड डी जेड और इज इक्वल कितना सी टू। तो यहाँ से आपने पाया लाग एक्स, यहाँ से आपने पाया लाग वाई, यहाँ से आपने पाया लाग जेड इज इक्वल कितना सी टू। सबसे क्या करेंगे, लाग एक्स वाई जेड इज इक्वल कितना लाग सी टू, लाग हटाइएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल सी टू पाइएगा। अब समीकरण का पूर्ण हल क्या होने वाला है, समीकरण का पूर्ण हल क्या पाएंगे, फाई। पहला हमको मिला है वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई प्लस वन अपान जेड और दूसरा हमको मिला है एक्स वाई जेड इज इक्वल कितना जीरो। ये देखिएगा है ना, यही है ना चेक कर, बिल्कुल है, बस इतना ही आपको काम करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। आज जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, इनमें से एक बिल्कुल क्वेश्चन आना है। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर एक। समीकरण एक से लांगराज का सहायक समीकरण क्या मिलेगा, देखो dx अपान कुछ नहीं है मतलब 1 है, दूसरा dy अपान 3 है, तीसरा dz में क्या है 5z प्लस कितना 10y माइनस 3x है। चलो अब समीकरण नंबर दो हुआ, समीकरण दो के प्रथम दो भिन्न तो निकल जाएगा बिल्कुल, समीकरण दो के प्रथम दो भिन्नों को लेने पर, प्रथम समीकरण दो के प्रथम दो भिन्नों को लेने पर लीजिएगा तो क्या पाइएगा, dx अपॉन वन इज इक्वल कितना dy अपॉन थ्री। यहां से हम लेंगे तो 3dx इज इक्वल कितना dy, क्या हो जाएगा समाकलन कीजिएगा क्या पाइएगा, 3dx ये होगा dy प्लस कितना c1, क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल y प्लस कितना c1। तो आपने पहला पाया 3x माइनस y इज इक्वल c1। अब इसी समीकरण एक में, एक के सॉरी दो है ना, सॉरी हाँ समीकरण दो के प्रथम और अंतिम भिन्न को लेने पर, तो प्रथम क्या है भाई dx अपान वन, अंतिम क्या है dz अपान कितना है 3z है क्या 5z प्लस 10y माइनस 3x। तो चलिए देखें dx अपान dz हल कर रहे हैं, देखिएगा 5z 10y माइनस 3x। अब ऐसा करो इसको dz अपान dx करोगे तो क्या आ जाएगा 5z प्लस 10 y माइनस 3x। अब ये रैखिक अवकल समीकरण बनेगा तो हम ऐसा करते हैं इसको समीकरण नंबर तीन मान लेते हैं, इसका वैल्यू डाल देंगे ना समीकरण तीन से y का मान रखने पर, समीकरण तीन से y इज इक्वल कितना हो रहा है देखो 3x माइनस c1 हो रहा है, बिल्कुल 3x माइनस कितना c1। तो इसको रखिएगा यहां पर और ये आपको मिल गया रैखिक अवकल समीकरण प्यारे बच्चों 3x माइनस c1, बाद में इसको हेल्प लिए हैं अभी बाद में रख देंगे। तो ये दोनों कैंसल, आपने पाया dz अपॉन dx इज इक्वल सॉरी माइनस कितना 5z इज इक्वल 10c1। अब देखो p के जगह कौन बैठ गया भाई, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल q के रूप का रैखिक अवकल समीकरण आ रहा है ना, p के जगह माइनस 5 और q के जगह आ गया 10c1। चलो ये तो कॉन्स्टेंट है, अब हम इसका क्या निकालेंगे आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर ए टू दी पावर, देखो dx है ना नीचे dz अपॉन dx बिल्कुल, तो यहाँ पर आएगा माइनस 5 और ये आएगा dx, तो e पावर माइनस 5x आ गया। अब समीकरण का हल डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है z है क्या, बिल्कुल है, और e पावर माइनस 5x इज इक्वल e पावर माइनस 5x आई एफ करते हैं ना, और q कितना है 10c1, तो 10c1 हटाइएगा तो क्या पाइएगा भाई कॉमन निकाल देंगे ना, तो इसका आएगा e पावर माइनस 5x अपॉन
प्लस कितना सी टू। अब रखिएगा सी टू का वैल्यू है ना, एस सी वन का वैल्यू, इसको भी हम इधर ले जाते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, ये देखिए इसको ऐसा करो, टेन सी वन रहने दो, माइनस फाइव एक्स, और ये आ जाएगा प्लस वन अपॉन फाइव ई पावर माइनस फाइव एक्स है ना। और यहाँ पर टेन सी वन है तो टेन सी के जगह हम रख देंगे वापस वाई माइनस थ्री एक्स इज इक्वल कितना सी टू। तो समीकरण का हल हमने क्या पाया, समीकरण का पूर्ण हल क्या क्या मिला, फाइव पहला वाई माइनस थ्री एक्स माइनस कितना वाई, और दूसरा मिला यहाँ पर जेड यानी ई पावर माइनस फाइव एक्स, और कितना हो गया जेड प्लस कितना आ जाएगा वन बाई फाइव, और टेन ये आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई। तो ये सब मिला करके इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों ये भी 100% समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ये तो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो समीकरण एक से, समीकरण एक से लांगराज का सहायक समीकरण क्या मिलेगा, dx अपान mz माइनस ny, dy अपान nx माइनस lz, और dz अपान ly माइनस कितना mx। ये समीकरण नंबर दो। क्या कीजिएगा, समीकरण दो में गुणक चुनेंगे, तो ऐसा करो यहाँ mz है और यहाँ nx है ना, तो कमी क्या है यहाँ पर, नहीं इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, दोनों को बराबर करना है, तो mz है और यहाँ पर lz है, तो इसका l का गुना करो, इसमें m का गुना करो, तभी बराबर आएगा। तो बच गया तीसरा, तो अवश्य ही इनका होगा। तो सबसे पहले गुणक ले लेते हैं हम लोग, गुणक समीकरण दो में गुणक क्या लेंगे, l m n लेने पर, चलो लीजिएगा तो क्या पाइएगा, प्रत्येक भिन्न आपको मिलेगा, ये देखो एल डी एक्स एम डी वाई प्लस एन डी जेड, और नीचे में गुना कीजिएगा, ये नीचे में सब गुना करके जोड़ेंगे तो आप जीरो पाइएगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। तो आपको मिलना है एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, त्रिया गुना किए जीरो। अब इसका समाकलन करेंगे तो हमको मिलना है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, डी एक्स का एक्स एक्स होगा, डी वाई का वाई होगा, और एन जेड इज इक्वल कितना सी वन। फिर से हम समीकरण दो में गुणक क्या लेंगे, देखो यहाँ पर इनको देखो और इनको देखो, यदि यहाँ पर मैं x का गुना करूँ, यहाँ पर y का गुना करूँ है ना, तो दोनों बराबर हैं अवश्य, तीसरे में z का गुना करेंगे, तो क्या करेंगे, गुणक समीकरण दो में, समीकरण दो में गुणक, गुणक कितना एक्स वाई जेड लेने पर, यदि आप एक्स वाई जेड लोगे तो यहाँ पर प्रत्येक भिन्न आएगा, और इसके लिए आप पाओगे यहाँ पर x dx प्लस कितना y dy प्लस कितना z dz अपान कितना जीरो, त्रिया गुना कीजिएगा तो पाइएगा x dx y dy प्लस z dz इज इक्वल कितना जीरो। अब इसका क्या कीजिए, समाकलन कीजिए, तो समाकलन करने पर आपको क्या मिलना है, देखिए आपको मिलना है x dx प्लस कितना y dy प्लस कितना z dz इज इक्वल कितना जीरो, यानी सी टू हो गया। तो यह आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू, यह आ गया वाई स्क्वायर बाई टू, यह आ गया जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल कितना सी टू। आपने पाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू सी टू आएगा, जिसको सी टू राइट कर सकते हैं, और समीकरण का हल होगा पूर्ण हल। यहाँ पर देखेंगे तो फाई फाई यहाँ पर आएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस कितना एन जेड, और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर इज इक्वल कितना जीरो। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। गुणा कैसे लेते हैं, अब समझ में आ रहा है ना, अपान में जीरो आना चाहिए या फिर पूर्ण रूप से समाकलनी होना चाहिए, ये चीज देखना है, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में अब चलते हैं, देखते हैं आपको अगला क्वेश्चन क्या मिलता है। देखिएगा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये भी ये देखो, इसको समीकरण नंबर एक मानते हैं। समीकरण एक से लांगराज का सहायक समीकरण क्या आएगा, इसका
dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, dy अपान वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, dz अपान जेड स्क्वायर माइनस कितना एक्स वाई। अब देखो इसका आप क्या कर सकते हो, गुना कर सकते हो क्या? यदि हम देखें यहां से तो क्या आ सकता है, dx dy dz यदि 1-1 करें, 1/x करें, क्या आएगा? इन दोनों का गुना ऐसा करते हैं बच्चों, ऐसे में तो दिक्कत होगा, दोनों को घटाइएगा। ऐसा करता हूं मैं, समीकरण दो में गुणक dx माइनस dy करूंगा, है ना, dy माइनस dz और dz माइनस dx करता हूं, देखता हूं क्या आता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 1-1 जीरो पहला हो गया, उसके बाद जीरो 1-1 और तीसरा लेना होगा -1 0 1, यानी इसको माइनस करेंगे तो लेने पर, चलो इधर आएगा प्रत्येक भिन्न, सब बदलते जाएगा। पहला dx माइनस dy होगा, तो नीचे घटाइएगा, क्या पाइएगा, x स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड एक्स। फिर सेकेंड में पहला जीरो हो गया, dy माइनस dz y स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और तीसरा वाला क्या आएगा, ये निगेटिव है तो ये पहला, तो dz माइनस dx कर दो, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब इसको सॉल्व कीजिए, पहला में d कॉमन निकालूंगा, x माइनस वन होगा, y होगा, और इनमें से मैंने माइनस जेड कॉमन निकाला और यहां से x माइनस वाई। चलो देखते हैं पहला, यानी हमको क्या मिला, प्रत्येक भिन्न डी एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का एक्स प्लस वाई, यहां से हमने प्लस जेड कॉमन निकाला, प्लस जेड कॉमन निकाला, एक्स माइनस वाई आया। सेकेंड में डी वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, और सेकेंड में हमने प्लस एक्स कॉमन निकाला, वाई माइनस जेड। थर्ड देखो डी जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, इसमें वाई कॉमन निकाला जेड माइनस एक्स, तो क्या आ गया डी एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डी वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डी जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये मान लो समीकरण नंबर कितना, 3। अब समीकरण 3 के प्रथम, अब देखो 6 भिन्न बन गया हमारे पास, पहले से 3 था, अब नया 3 और बन गया, तो यहां पर हम समीकरण 3 मान रहे हैं, तो समीकरण 3 के प्रथम दो भिन्नों को लेने पर, चलो लो दो भिन्नों को लेने पर लीजिएगा, क्या पाइएगा, आप पाइएगा डी एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां होगा डी वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस कितना जेड। इसको कटाइएगा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डी एक्स माइनस वाई अपान एक्स माइनस वाई, डी वाई माइनस जेड अपान वाई माइनस जेड। अब इसको क्या करते हैं, समाकलन करते हैं बच्चों, चलो करें। समाकलन करने पर क्या पाइएगा, डी
एक्स माइनस वाई अपान एक्स माइनस वाई, डी वाई माइनस जेड अपान कितना वाई माइनस जेड, प्लस कितना हो गया सी वन। तो भाई इसका तो सीधा सीधा दिख ही रहा है, लाग एक्स माइनस वाई, इसका होगा लाग वाई माइनस जेड, और सब लाग में है इसलिए क्या हो गया लाग सी वन। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों, लाग वाई माइनस जेड और ये हो गया सी वन। लाग हटाइएगा तो क्या पाइएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और यह हो गया सी वन। इसका मतलब आपने पाया एक्स माइनस वाई अपान वाई माइनस जेड इज इक्वल कितना सी वन। अब समीकरण तीन के अंतिम दो भिन्नों को लेंगे के अंतिम दो भिन्नों को लेने पर चलो ले लो क्या लीजिएगा डी वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डी जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर इसको कैंसिल कीजिएगा और डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं तो आप क्या पाएंगे डी वाई माइनस जेड अपान वाई माइनस जेड, डी जेड माइनस एक्स अपान जेड माइनस एक्स प्लस कितना सी टू। अब इसको आगे बढ़ाएं तो इसका समाकलन क्या मिलेगा लाग वाई माइनस जेड, ये मिलेगा लाग जेड माइनस एक्स और ये हो गया लाग सी टू। चलो अब इन प्रोडक्ट रूल इसमें कर दो, वाई माइनस जेड इज इक्वल कितना लाग और ये हो जाएगा सी टू जेड माइनस एक्स। लाग हटाइएगा तो वाई माइनस जेड इज इक्वल सी टू, ये हो गया जेड माइनस एक्स और y माइनस जेड अपान कितना जेड माइनस एक्स इज इक्वल कितना सी टू। अब समीकरण का पूर्ण हल क्या जाएगा फाई एक्स माइनस वाई अपान वाई माइनस जेड और y माइनस जेड अपान कितना जेड माइनस एक्स इज इक्वल कितना हो गया जीरो। तो बस इस ढंग से काम करना है प्यारे बच्चों, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, याद रखिएगा इसी ढंग से बनाना है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, हल कीजिए y माइनस जेड अपॉन वाई जेड पी, ऐसे तो हमको दिख रहा है, किस रूप में दिख रहा है भाई लांगराज आंशिक अवकल समीकरण के रूप में। ऐसे करते हैं इसको एलसीएम ले लेते हैं, चलो तो इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एक्स वाई जेड एलसीएम आएगा, इसमें एक्स बार इसमें वाई बार, चलो करते हैं एक्स वाई जेड एलसीएम लेंगे तो यहां पर कितना आएगा एक्स वाई माइनस जेड पी और यहां पर आएगा y z माइनस एक्स क्यू अपान में आएगा एक्स वाई जेड एलसीएम लिया हो x माइनस वाई अपान एक्स वाई। अब एक्स वाई कटाइएगा तो लांगराज का जो सहायक समीकरण है किस फॉर्म में सेट हो गया देखो q इज इक्वल जेड एक्स माइनस कितना y। अब ये समीकरण नंबर एक बना दिए, इस समीकरण एक से लांगराज का सहायक समीकरण, चलो क्या पाइएगा dx अपान x y माइनस जेड, dy अपान y z माइनस एक्स, dz अपान z x माइनस y। चेक कर लो भाई एक बार, बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये बन गया समीकरण नंबर दो। समीकरण दो में गुणक सबको मैं जोड़ दूं तो जीरो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो प्रत्येक भिन्न क्या मिला प्रत्येक भिन्न dx प्लस dy प्लस dz, सबको देखो साइक्लिक प्रोसेस में डायरेक्ट जीरो तो मिलना है बच्चों, आप ना क्या करना है इन सबको जोड़ देना और जोड़ के ब्रैकेट ओपन करोगे जीरो आएगा, चक्रीय प्रक्रम में है ये। त्रिया गुना कीजिएगा तो पाइएगा dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल कितना जीरो और समाकलन कीजिएगा तो समाकलन करने पर क्या मिलेगा
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल कितना, सी वन, डायरेक्ट कर दिया। अब समीकरण दो में यदि मैं एक्स और वाई और जेड को हटा दूं तो वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ये भी साइक्लिक प्रोसेस में आ रहा है तो ये भी जीरो हो रहा है। तो हम दूसरा गुणक, दूसरा मल्टीप्लायर समीकरण दो में गुणक मल्टीप्लायर वन अपान एक्स, वन अपान वाई, वन अपान जेड लेने पर, चलो ले लो, तो क्या पाइएगा, प्रत्येक भिन्न वन अपान एक्स डी एक्स, वन अपान वाई डी वाई, वन अपान जेड डी जेड अपान कितना, जीरो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, वन अपान एक्स डी वाई डी एक्स, वन अपान वाई डी वाई, वन अपान जेड डी जेड इज इक्वल कितना, जीरो। इसका क्या कीजिए, समाकलन क्या मिलने वाला है, वन अपान एक्स डी एक्स, वन अपान वाई डी वाई, वन अपान जेड डी जेड इज इक्वल सी टू। तो सब में हम क्या पाए, लाग एक्स प्लस लाग वाई प्लस लाग जेड इज इक्वल कितना, सभी लाग में इसलिए लाग सी टू, लाग एक्स वाई जेड इज इक्वल कितना, लाग सी टू, लाग हटाइएगा तो एक्स वाई जेड इज इक्वल सी टू पाइएगा। अब देखो समीकरण का हल क्या होगा, फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इधर आ गया एक्स वाई जेड इज इक्वल कितना, जीरो। ठीक है बच्चों, तो बस इसी ढंग से बनाना है, ठीक है। तो बच्चों आज का यह क्लास हमारा यहीं तक रहेगा, मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा। बस प्रैक्टिस करते रहें प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं ताकि उनको भी फायदा हो सके। आने वाले मंथ में आपका एग्ज़ाम है, प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।